हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और ये एक समझिए जानकारी होगा जो बहुत लोगों को नहीं पता है। और मैं ये जानकारी आपको एक समझिए तो ये बिहार स्टेट में तो नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे स्टेट का चीज़ मैं यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, और उसमें से मैंने कुछ दो चार को मैंने यहाँ पे गमले में लगाया भी है, तो वो लग गया है। तो मैं उसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा, उसके बेनिफिट्स बताऊँगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ें मैं बताऊँगा। और ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप डेली बेसिस पे अगर इसको खाना शुरू कर देंगे तो इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं। मैं कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि क्या क्या है। जो मेन बेनिफिट्स है वो मैं बता दूंगा कि क्या क्या है। तो मेरे साथ वीडियो में आप बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके पास कुछ सवाल है या कुछ पूछना है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं जैसा कि ये सामने ही जो रखा हुआ है, इसको कश्मीरी लहसुन बोलते हैं, इंग्लिश में कश्मीरी गार्लिक बोल दीजिए, या पहाड़ी लहसुन भी बोलते हैं। एक्चुअली जो इसका जो खेती होता है वो कश्मीर में ही होता है, इसीलिए इसको कश्मीरी लहसुन बोलते हैं। देखने में तो लहसुन के तरह तो नहीं दिख रहा है, जो कॉमन एक लहसुन मिलता है उसके तरह तो नहीं है, लेकिन अंदर से जब इसको आप निकालेंगे तो ये निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए ये कुछ वैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता लहसुन है जो आप इसको खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, बट इसका साइज छोटा है। लेकिन कंपेयर टू दिस ये लहसुन है, इसके अंदर बहुत बेनिफिट्स है। उसमें भी है, लेकिन उसमें कम है और इसमें बहुत ज़्यादा है, जो मेडिकली ये प्रूफ है। और यहाँ तक कि इसको एक तरीके से दवाई के तौर पे भी लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये लहसुन जो आप देख रहे हैं, ये अभी इस पे छिलके लगे हुए हैं। तो अगर आप इसको डेली मॉर्निंग में उठ के खाली पेट ब्रश करके आप दो या तीन इसको छील लेना है। छिलका कुछ इस तरीके से निकलता है इसका, ये देखिए ये ऐसा छिलका निकल जाएगा। और ये निकलने के बाद आपको बिल्कुल अंदर से वाइट कलर का आपको वो मिलेगा। तो ये देखिए, ये छीलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये बिल्कुल सूखा हुआ लहसुन है, और ये इसके ऊपर दो या तीन लेयर इस तरीके का छिलके का होता है। तो ये दो या तीन लेयर जब आप हटाएंगे इस तरीके से इसको छील के, तो ये ऐसा दिखेगा अंदर से। तो आपको कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग में आपको खाली पेट दो या तीन इसको खा लेना है सुबह सुबह। अगर आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप उसके साथ ये खा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसका, और आपको बेनिफिट्स ही दिखेगा। तो ये तो मैं खाने का तरीका मैंने बता दिया है। अब चलिए मैं बता दूं कि इसमें होता क्या क्या चीज़ है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो मेडिकली जो प्रूफ है, वो चीज़ें हैं, इसमें मैग्नीज होता है, ठीक है, और विटामिन B6 होता है, और देन विटामिन सी होता है, और फिर एक सिलेनियम नाम का भी एक एलिमेंट होता है, जो वो भी होता है इसमें, और फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन B1, ये सब चीज़ इसके अंदर मिलता है, जो कि कोई भी बीमारी होता है उससे फाइट करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए आपके शरीर में। तो अब आपको मैं ये बता दूं कि इसको खाने से क्या क्या बीमारियों में फ़ायदा होता है। बहुत सारा इसका बेनिफिट है, बट मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। मैं उसमें से मेन कुछ एक मैं बता देता हूँ, बाकी अगर आप इसको लेना शुरू कर देंगे तो आपको खुद इसके बेनिफिट दिखने लगेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहले नंबर पे मैं बताऊँ कि इसको अगर आप खाते हैं तो इससे आपका इम्यून शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी बिल्डअप होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और आपको जो तरह तरह की बीमारियाँ होती है या लग जाती है, या जो वायरल चीज़ें होती हैं, या फिर जो सीजनली बीमारियाँ होती हैं, तो उससे आपका जो शरीर है वो फाइट करने के स्टेज में आ जाएगा अगर आप ये खाते हैं तो, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, ठीक। दूसरा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनता है, आप गैस से परेशान होते हैं, तो आप इसको लेंगे तो आपको गैस में भी काफ़ी ज़्यादा इससे
आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तीसरा है, अगर आपको बार बार खांसी, जुकाम, सर्दी, अगर ये नज़ला इस तरीके का कुछ है, तो आप इसको डेली बेसिस पे खा सकते हैं, उसमें भी ये फ़ायदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको ब्लड कैंसर है, और एक तरीके से इसको ब्लड प्यूरीफायर भी बोला जाता है, क्योंकि जो ब्लड्स के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो इसको क्लीन कर देता है ये, तो इसको ब्लड प्यूरीफायर भी बोलते हैं। तो खासकर जो ब्लड कैंसर होता है उसके जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको मारने के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है, आपको जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ब्लड का, वो उसके लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम कर देता है। तो आजकल के जो खान पान में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हर एक आदमी का बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, तो अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो इससे आपको कोलेस्ट्रॉल आपको बहुत ज़्यादा इसको कम कर देगा। नेक्स्ट बताता हूँ, ये अस्थमा में भी आपको काम करेगा। अस्थमा आपको है तो आप ये लीजिए, इससे ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर आपको अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। आपके ये नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल रखता है ये, अगर आप ये खाते हैं। अगर आपको कब्ज है तो उसमें भी ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। और ये आपका अगर फैटी लीवर तो आज हर एक दूसरे तीसरे आदमी को, औरतों में ज़्यादा होता है, तो फैटी लीवर अगर है तो आप इसको डेली बेसिस पर खाना शुरू कर दें, आपको इसके बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और इससे आपका वेट, अगर बहुत आप ओवर वेटेड हैं तो आपको वेट भी इससे कम होगा अगर आप इसको खाते हैं डेली बेसिस पे। फिर देन नेक्स्ट है, इससे आपका बार बार अगर आपको जुकाम हो जाता है तो आप उसमें भी ये चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फायदे हैं अगर आप इसको खाना शुरू करते हैं। और इससे छोटे मोटे बीमारियाँ नहीं, इससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी कंट्रोल हो जाती है अगर आप इसको डेली बेसिस पे खाते हैं। और इसके आगे मैं बता दूँ कि ये मैं अपने बैकयार्ड एरिया में मैं इसमें से दो तीन कली को लगाया था, जो कि उसमें से सिर्फ एक ही लगा। तो ये एक तो वैसे क्लाइमेट का भी फ़र्क पड़ता है, दूसरा सॉयल का भी फर्क पड़ता है। तो ये तो वैसे ही कश्मीर से आता है और कश्मीरी लहसुन बोलते भी है इसको। तो हमने एक ट्रायल बेसिस पे इसको लगाया था गमले में, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि वो कैसा लगा है। हूबहू जो जैसा गार्लिक होता है कॉमन गार्लिक, उसी तरीके का ये भी है, लेकिन इसके अंदर का जो गार्लिक होगा वो डिफरेंट होगा। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वो कैसा है। ये देखिए, ये मैंने लगाया था, तो ये देखने में तो बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर से मैं ये गार्लिक निकालूंगा तो ये अलग होगा और गार्लिक की तरह से। तो मैंने एक ही लगाया दो तीन था, लेकिन एक ही लगाया, और ये भी काफ़ी टाइम हो गया लगे हुए। और ये बैकयार्ड में इसको, इस गमले को रखते हैं हम, तो क्लाइमेट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ। तो ये देखते हैं इसके अंदर का जो गार्लिक है वो किस तरीके का निकलता है। ओवरऑल आपको ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर अगर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कहीं और भी, तो वहाँ बहुत ईजिली आपको अवेलेबल है ये चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो करें, और हमें इसके बेनिफिट्स ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ इससे फ़ायदा हुआ, और हमें इस पे कमेंट्स ज़रूर करें इस वीडियो पे अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो। धन्यवाद।